हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन घर पे हमारे जो बैक साइड में जो एरिया है ना, वहीं पे मैं खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े केले का मतलब पेड़ है। तो हम लोग आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। चलिए मैं पहले बता देती हूँ। एक्चुअली केले के पेड़ में बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से हम मुझे बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे थे, मतलब सारे ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे खाद देना और बाकी मतलब जितने भी थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ होता है ना, जैसे कि हम लोग जो वेजिटेबल वगैरह काटते हैं उसका जो भी छिलका होता है वो सब, तो वैसे ही थोड़ा मतलब कंपोस्ट से बना के उसके मतलब हम लोग दिए थे, तो अच्छा ग्रो हुआ है। इसमें बिल्कुल भी हम लोग केमिकल्स ऐड नहीं किए हैं, तो उसी का थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली आज बहुत अच्छा फ्रूट आया है पेड़ में, तो हम सोचे हैं कि आज पेड़ को काटेंगे, क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। तो केले का पेड़ का एक अच्छा चीज़ है कि उसका सारा कुछ चीज़ अच्छे से यूज़ हो जाता है, जैसे कि उसका पत्ता यूज़ हो जाता है। फ्रूट तो वैसे ही मतलब हम लोग खाते हैं, बाकी उसका जो फ्रूट जिसमें होता है ना, उसको अंदर एक मंजा जो होता है बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे पेड़ के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। और बाकी उसका और भी मतलब जो फ्रूट निकलने से पहले और एक आता है ना, उसके मतलब सामने से एक भंडा उसे बोलते हैं, सारा कुछ चीज़ उसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो बस हम लोग बहुत मतलब टाइम से एक दो तीन लगाए हुए थे, नर्सरी से लाए हुए थे पेड़, बहुत छोटे छोटे थे, तो अभी तो इतने लंबे लंबे हो गए हैं। तो फाइनली आज उसे काटेंगे, क्योंकि दीपक की छुट्टी है, तो आज सोचे हैं कि चलिए ये काम आज कर लेते हैं केला निकालने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। वैसे झुमकी के लगा छोटा। हां देखो, इन में सवार है, इन में था देखो, इन देखो। मतलब पेड़ में जो फ्रूट हुआ था तो उसे काट के अभी आ रहे हैं, तो उसे बाद में हम लोग मतलब सबके घर पे देने के लिए सोचे हैं, क्योंकि एक अच्छा लगेगा, इतना सारा भी हम लोग क्या मतलब अकेले खाएंगे, तो सबके साथ मिलके खाना अच्छा लगता है। तो बस ये सब के बाद हम लोग सोचे हैं कि आज कहीं पे घूमने जाने के लिए, तो यहाँ पे एक दीपक के बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम लोग उनके गाँव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत अच्छा शिव मंदिर है, बहुत ही बड़ा शिव मंदिर, तो वहाँ पर हम लोग सोचे हैं आज जाने के लिए। वो स्वप्नेश्वर या सिद्धेश्वर कुछ ऐसा ही, मैं ठीक से वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या है मंदिर का नाम और क्या क्या वहाँ पे है, तो सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए हैं, तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सब साथ में लंच कर रहे हैं। और जैसे कि गांव में होता है ना, चारों तरफ घर होता है और बीच में आंगन है, तो ये वही जगह है, बीच में एक आंगन है, तो वहीं पे बैठ के सब साथ में लंच कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मत ये साइड रे दे दियो तो किछी छी हां।
ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ପକେଇଥିଲି ମୁଁ କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲି ବା କେତେ ତରତର ଆଉ ବା ଏତେ ଡେରି ମୁଁ ଯାଇ 10ଟା ପରେ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିକି ଏଠି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଖାଇଛି ଏ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ଚିରି ଦେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ ବସିବ କିଏ ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ କୋଉଠି ବସିବେ ଖାଇବେ ମାଉସୀ ଖାଇବେନି କି ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଥାଏ ମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରିଜଣ ବସିପାରିବା ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଟିକେ ନେଇଯିବୁନି ଖାଲି ସେମିତି ବୁଲି ଆଣିକି ଗଲା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପଳେଇଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫଟୋକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ତାର ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠିବ ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ ଉଠୁଛି 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 ଆହୁରି ଉଠୁଛି କି ଆହୁରି ଉଠୁଛି ଏବେ ସମୟଟା ଖଣ୍ଡ ଉଠିଛି ଏଇଟା ଭିଡିଓ ହଉଛି ସେଥିରୁ ସବୁ ଉଠିବ ସେଠି ବି କ୍ଲିକ କରିବେ ଯେ ଯେତିକି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବେ ତ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଉ ଚାଲ ହେଇଗଲା ରିଲ ଅଛି ତ ଆଗରୁ ସବୁ ସେଇଆ ହଉଥିଲା ନାଇଁ ଫଟୋ ପଠାଅ ଏଇଟା
ভাগ্যের ফেলে ফটো উঠে আপনার ফসল তো ফসল ফটোটা ভালো উঠিব নহলে কোনো জানি ফটো উঠিব নাই আপনার মানে ফটো উঠে আমি সময় দরকার পূজা করি করি বাহাগর ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଆଜି ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନାଲି ନେଳି ଯାହା ଆଖିକୁ ଦିଶ ଏଇ ଧଳାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ ଏମିତି କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବେ ସିଧା ଚଢ଼ିଗଲେ ଛତୁଟା ପୋଖରୀ ନୁହଁ ଇଟା ପୋଖରୀରେ କଣ ହେଇଛି ତ ପୋଖରୀ ନୁହଁ और यहाँ पे देखिए पीछे कितने अच्छा एक मंदिर है तो कितने अच्छा डेकोरेट किए हुए हैं जो वॉल पे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे ये दोनों है ये है लोपा अप्पा और ये है सुष्मिता अप्पा तो हम तीनों यहीं पे और पीछे एकदम सनसेट हो रहा है तो अच्छा एकदम पीछे बहुत अच्छा सीनरी आ रहा है बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पे देखिए एकदम अच्छा सा एक गांव का जो एक तालाब है यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये फल देना फल धर ला नहीं हाँ କୁକୁଡ଼ା ଚୁଳ ବି କୁହନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚୁଳ ପୁରା ତ କୁକୁଡ଼ା ଚୁଳ ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଅଁଳା ଗଛ ଆମ ଦୁଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ବାବୁନି ହେରିକା କରନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ଲଗେଇକିରି କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କଲର୍ କରିଥିବେ ବଢ଼ିଆକିନା କରିଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଭଲ ଛ କିଛି ନାଇଁ ମାମାଲଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ନାଟା ମୁଁ ସେପଟେ ଭାବୁଛି ଯେ ବୋଲି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଅଛି କଣ ହେଇଛି ସିଡି ପାଇଛି
ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି কি সুন্দর হয়েছে ଏଇଟା ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଖିଥିଲେ ବି ହଁ ବେଲ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ ବି ବେଲ ଗୁଡା ହେଇଛି और यहाँ पे देखिए ये पेड़ में कितने ज्यादा बेल हुए हैं भाई ପଣସ ଗଛରୁ ପୁଣି ଜଣେ ପଣସ ଧରିଲା ନାଗ ସାପ ଗୋଡେଇ ପାତଳ ଫୁଟି ଗଜମଣ୍ଡା ନୁହଁ ଗଜମଣ୍ଡା
ठाकुर देखुचे गुआ सुखी जी ठाकुर पूरी ଦେଖା ଯାଉଛି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ ଆଉ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ନା ଟିକେ ଖାଲି ହାତ ଧୋଇଦେବା ଯିବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज देखने के लिए मिला, जैसे कि सावित्री एंड सत्यवान का जो व्रत कथा जो है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि मतलब ऐसे सावित्री और सत्यवान का जो फोटो मतलब मूर्ति वगैरह या फोटो कहीं पे भी, पहली बार मैं आज यहाँ पे देख रही हूँ कि एक पेड़ के नीचे कितने अच्छे से सुंदर से सजाए हुए हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि हर सावित्री में यहीं पे जितने भी मतलब व्रत करते हैं उन लोग आके यहीं पे ही पूजा करते हैं। ଛୋଟ ବାଇଗଣ ସନ୍ତ ସନ୍ସେଟ୍ଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆରିକା ଉଡ଼ାକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ତ। और देखिए पीछे का सनसेट अभी हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।